हाँ जी, अज आप पढ़ने वाले हाँ व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म। इस दे जो फाउंडर ने बिहेवियरिज्म दे जा फादर भी कह देंगे आ, उन्हें जॉन बी वाटसन जिसने मनोविज्ञान दे विच बिहेवियर नू समझन दे विच सब तो ज़्यादा अपना योगदान पाया है। तो शुरू करते हाँ कि व्यवहारवाद आखिर है कि ठीक है, व्यवहारवाद शब्द तो ही असी समझ सकते हाँ कि इस विच व्यक्ति दे व्यवहार भाव रवैये नू समझन दी कोशिश की गई है। व्यवहारवाद विच बहुत सारे मनोविज्ञानियां अते माहिरां ने अपने मत दित्ते हन अते व्यवहारवाद नू समझन दी कोशिश की है कि व्यवहार आखिर है कि वह की है ते उसनू किवें असी समझ सकते हाँ। इस दे विच बहुत सारे मनोविज्ञानियों ने माहिरां ने अपने अपने मत दिते है कि इसनों आपां किवें समझ सकते हैं। चलो अगे चलते हैं। व्यवहारवादी मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित करने विच विरासत की महत्वपूर्ण भूमिका होंदी है कि उसका जिहड़ा विरासत है, उसका जिहड़ा पुराना जो परिवार है, जो पेशा है, वह किस तरह का है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होंदी है। व्यवहारवाद को समझने लिए अनेक मनोविज्ञानियों और माहिरों ने अपने अपने बनी विचार अनुसार व्यवहारवाद को मन और आत्मा के नियंत्रण करना दस्या है। मन ते आत्मा ते भी कुछ लोग मानते हैं कि कुछ विज्ञानियों ने कहा कि यह आत्मा होंदी है जिहड़ी साडी उसके अकॉर्डिंग साडा व्यवहार होंदा है ते कुछ इनू मन नाल जोड़दे सी। पर जिहड़ा व्यवहारवाद के मामले में जॉन वाटसन ने एक बदलाव लिया, उन्होंने कहा कि सिर्फ देखण योग व्यवहार और घटनावां ही मापन द्वारा व्यवहार को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिहड़ी चीज़ को असीं देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जिवें कि मन ते आत्मा, उसनू उस ते असीं मतलब अपना विचार नहीं दे सकते। तो अगे चलते हाँ। व्यवहारवाद आखिर है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यक्ति का व्यवहार उस दे हालातों पर निर्भर करता है। ठीक है, आज का यही सी टॉपिक। तो नैक्सट टॉपिक दे विच फिर मिलांगे। वीडियो नू लाइक जरूर करो, चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो।